बोलो मुझे कलेक्ट में जाना नहीं दे जानवर जाए कलेक्ट जाना ना होगा ये आपका यकीन का भाई नाम हम लोग आप समझो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, पिछले पांच दिनों से वसई प्रांत कार्यालय में श्रमजीवी संगठन का एक बहुत बड़ा महापड़ाव शुरू है। आज पांचवा दिन है इस महापड़ाव का। लगातार हम इसकी खबरें लगा रहे हैं, आप उन खबरों को देख रहे हैं और खबरों को आपका प्रतिसाद मिल रहा है। इस खबर में कल हमने बताया था कैसे श्रमजीवी संगठन के संस्थापक और सरकार में राज्य मंत्री दर्जा हासिल जो एक विभाग है आदिवासी आड़ावा समिति, उसके चेयरमैन विवेक भाऊ पंडित कल आए थे, उनका बयान हमने आपको सुनाया है। आज उसी उन्हीं विवेक भाऊ पंडित का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये मामले को लेकर अधिकारी को लताड़ लगा रहे हैं, तो वो वीडियो हम लाए हैं। देखिए इस वीडियो में, एक डेढ़ मिनट का काफी छोटा वीडियो है लेकिन एक वीडियो सामने आया हमारे सामने, तो हम ये वीडियो आप देख रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप किस तरह से विवेक भाऊ पंडित इस वीडियो में अधिकारी को लताड़ लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है प्रशासन की कितनी बड़ी खामी है वो साफ इसमें दिखाई दे रहा है। इन गरीब लोगों के साथ प्रशासन किस तरह से व्यवहार करता है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। उत्तर द्यायचं तिला 2008 ला इथे आलेला आहे, 16 वर्ष तिचा दावा का नाही मंजूर केला? बोलवा तुमच्या कलेक्टर साहेबांना इथे, जाधव साहेब कलेक्टर साहेबांना बोलवा, मी आत्ता इथून त्या बाहेर जाऊन आंदोलनात सामील होईल। बोलवा कलेक्टर साहेबांना इथे, मिळणं हा तिचा मूलभूत अधिकार आहे, यांची कोणाची मेहरबानी नाही। मी आढावा समितीचा अध्यक्ष असताना सुद्धा तिथे जाऊन सामील होऊ शकतो। सरकारने काढून घ्यावं म्हणजे आढावा समितीच्या अध्यक्षपद काय करायचं मला? किती 25 नाही, ऍक्शन घ्या यांच्यावर। हे बघा, यांची जी अतिक्रमण आहे काढून घ्या। का बसू? लोक तुमचा आढावा घेतात ना, ते बरोबर आहे, लोकांनीच तुमचा आढावा घेतला पाहिजे। आणि मेहरबानी समजा मी त्यांचा भाग असून 3 दिवस शांत आहे। माझा प्रश्न काय आहे, तू उपाशी, तुला मिळेपर्यंत उपाशी बसायला तयार आहेस का? मी पण बसतो, मी पण बसतो, हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।